हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फेमस बटर चिकन की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बटर चिकन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सिल्की सॉफ्ट होती है, जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। बटर चिकन को दो स्टेप में बनाया जाता है, पहला तो इसका मैरिनेशन है और दूसरे इसकी ग्रेवी है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के इस बटर चिकन की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। इस ज़बरदस्त सी बटर चिकन की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन लिया है। सबसे पहले हम चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इस पे छुरी की हेल्प से कट लगा देंगे। जो बड़े बड़े पीसेस हैं हम उसमें कट लगा देंगे ताकि मसाला और नमक सब इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। इसके बाद हम इसे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून दाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून दही और 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम 2 बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और इसको रफली चॉप्ड करके तेल में ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे प्याज के साथ 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। तो अदरक लहसुन और प्याज को अच्छे से मैंने भून लिया है, तो यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ का टमाटर, इसको रफली चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 3 टमाटर का यूज़ कर सकती हैं। साथ ही 1/2 टी स्पून नमक और 8 से 10 यहाँ पे मैंने काजू इसमें डाल दिया है। और अब लिड लगाकर हम इसे 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि प्याज, टमाटर और काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुका है, अब लिड हटा के देखते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे गैस से हटा देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में जाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरे गैस से मैंने एक पैन रखा है और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम एक एक करके मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे। शुरू में हम इस चिकन को हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन अंदर से जूसी बने। इसके बाद हम लेड लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। हमें चिकन को तब तक कुक करना है जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता और इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। अब देख सकते हैं चिकन पे अच्छा सा कलर आ गया है। तो ऐसे इसी तरह से इसे उलटते पुलटते हुए हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई हो गया है तो उसको साइड में मैंने रख दिया है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून ऑयल। मैंने मक्खन और ऑयल दोनों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सिर्फ इसे मक्खन में ही बना सकती हैं। जैसे ही मक्खन और ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें 1/4 टी स्पून से भी कम हल्दी और 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और दोनों चीज़ों को डालते ही हम ये जो मिक्सर बना के रखा है, जो पेस्ट बना के रखा है प्याज और टमाटर का, उसको इसमें ऐड कर देंगे। आप इस प्याज और टमाटर के पेस्ट को छान के भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने बहुत ही स्मूथ इसे ग्राइंड कर लिया इसलिए मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे हम 1-2 मिनट तक इसी तरह से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1-2 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्राई किया हुआ चिकन। तो चिकन फ्राई करने के बाद हम इसे अच्छे से 1-2 बार स्टर कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें एक अच्छी सी मिठास आती है। अगर आप टमाटो सॉस इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो इसके जगह पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टमाटो सॉस डालने के बाद हम लीड लगाकर इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद हम खोल कर देखते हैं, आप देख सकती हैं कि तेल अच्छे से रिलीज़ होने लगा है।
हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो चुका था पहले शुरू में और प्याज टमाटर भी अच्छे से पका हुआ था। अब हम इसी स्टेज पे 3 चम्मच क्रीम को डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूध भर पे ऊपर जो मलाई आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्रीम डालकर हम इसे 1-2 बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला अब ज़रूर डालें, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। और साथ ही हम ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी, इसको मैंने तवे पे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लिड लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मैंने क्रीम डाला है वो भी अच्छे से पक जाए और तेल अच्छे से सरफेस पे आ जाए। तो चलिए हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, ये कितना टेस्टी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखिए ये आपको मुंह में पानी आ रहा होगा और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे ऊपर से क्रीम से गार्निश कर दिया है, आप इसे नान के साथ इंजॉय कर सकती हैं क्योंकि बटर चिकन और नान का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसे नान के साथ नहीं खाना चाहती हैं तो पराठा कुलचे किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।